तो आज का टॉपिक हमारा है बल और दाब, और बल और दाब के अंतर्गत पहला टॉपिक हमारा है बल यानी कि अभिकर्षण और अपकर्षण, जिसे हम लोग पुल और पुश के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग एक एक्टिविटी के माध्यम से शो करेंगे। आपका नाम? आपका बेटा इसको पुल करके दिखाओ, मोहम्मद फारिस, इसको पुल करो। बहुत बढ़िया, रुको, आप इसे पुल करके पुश करके दिखाओ। वेरी गुड। तो हम लोगों ने सीख लिया कि बल या तो पुल के फॉर्म में होता है या फिर पुश के फॉर्म में। अब हम बात करेंगे बल की विशेषताएं। तो बल की पहली विशेषता क्या है मेरे साथ आप पढ़ेंगे? बल दिशा बदल सकता है। दूसरा पॉइंट, बल आकार बदल सकता है। तीसरा पॉइंट, बल आकृति बदल सकता है। चौथा पॉइंट, बल गति दे सकता है। पांचवा पॉइंट, बल गति रोक सकता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। अब इन पांचों चीज़ों को हम लोग छोटी सी एक्टिविटी के माध्यम से परफॉर्म करेंगे। तो पहली एक्टिविटी हमारे पास है कि बल दिशा को चेंज कर सकता है। चलिए स्टार्ट कीजिए। हमने क्या, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब, बेटा आपका नाम क्या है? मिंटू कुमार। सीधे रास्ते से जा रहा था, लेकिन जो ये बच्चे खड़े हुए हैं बाकी लोग, इन लोगों ने मिंटू के ऊपर क्या लगाया? बल लगाया। और जब मिंटू के ऊपर इन्होंने बल लगाया तो मिंटू अपनी डायरेक्शन यानी दिशा को चेंज कर गया। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि बल दिशा को बदल सकता है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों अपना अपना नाम बताओ। आपका नाम? कृष्णा। तो देखो हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी यानी पहली विशेषता पढ़ ली है कि बल दिशा बदल सकता है, और अब बारी है कि हम पढ़ने वाले हैं बल आकार बदल सकता है। इन दोनों के पास दो वस्तुएं हैं, दिखाओ जरा। अब ये दोनों प्रूव करेंगे कि बल आकार बदल सकता है। तो जरा आप लोग बल लगाइए और आकार बदल कर दिखाइए। बहुत बढ़िया। आप लोग देख सकते हैं कि इनके पास जो वस्तुएं हैं उनमें क्या हो रहा है? खिंचाव हो रहा है। मतलब पहले वो छोटी थी, अब वो क्या हो गई हैं? बड़ी हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि बल आकार बदल सकता है। बहुत ही बढ़िया। अब बारी है हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, जो कि है, मेरे साथ बोलेंगे, बल आकृति बदल सकता है। बेटा अपना नाम बताओ। मेहता वालम के पास एक रिंग है, और मेहता वालम बल लगा करके उस रिंग की जो आकृति है इस समय कैसी है? गोल गोल है सर। गोल है ना, लेकिन जब बल लगाया जाएगा तो उसकी आकृति चेंज हो जाएगी। करके दिखाइए, खींचिए और खींचिए। आप देख सकते हैं कि पहले कैसा था ये? गोल। लेकिन अब इसकी जो आकृति है वो बदल चुकी है। इसका मतलब ये है कि बल आकृति बदल सकता है। बहुत बढ़िया। बच्चों पर नाम बताओ दोनों। माय नेम इज सागर। योर नेम इज सागर एंड योर नेम? प्रिंस कुमार। तो देखो बच्चों हम लोगों ने तीन प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है, और चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी है कि बल गति दे सकता है, और पांचवी प्रॉपर्टी है बल गति रोक सकता है। तो आप फिर से नाम बताओ। प्रिंस, आपके सामने बॉटल रखी हुई है, उसको आप बल लगा कर गति प्रदान करें। चलिए करिए। बहुत बढ़िया। आपने देखा कि प्रिंस ने गति प्रोवाइड की क्या करके? बल को लगाकर। और सागर ने क्या किया? बल को लगा करके बल की गति को रोक दिया। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बल गति दे भी सकता है और बल गति खत्म भी कर सकता है। बहुत बढ़िया।